हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। ये मेरा पहला ब्लॉग है जब मैं ब्लॉग के स्टार्टिंग में हूँ, और मेरा फेज भी आई थिंक कुछ ही ब्लॉग में होगा। तो आज शैलजा की थोड़ी तबीयत खराब है, तो सुबह सुबह उठ के मैं चाय बना रहा हूँ उसके लिए। बाकी सब लोग जो पूछते हैं कि सुबह सुबह आप क्या करते हो, तो देख लो भाइयों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सुबह के बज रहे हैं बहुत, आज सुबह उठ गया हूँ मैं, 11 बज रहे हैं यार, जल्दी तो नहीं उठाऊँ, कोई बात नहीं, फिर भी हम चाय बनाएंगे। तो मैं चाय बनाता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। और इसी के साथ थोड़ा कांड हो गया, चाय बॉईल हो गई ज्यादा और गिर गई। तो हमारे घर पे क्या होता है ना, जब भी कोई जैसे बाहर से आया, यही नहीं इंडिया में भी जब भी कोई बाहर से आया, तो कभी कभी मिठाई लाते ना, तो हम एक हफ्ते तक चीनी गुड़ सब कुछ बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं मतलब बंद कर देते हैं, फिर वो चलता है कटकी। तो आज क्या मतलब, लास्ट एक हफ्ते से मैं ऐसे ही खा रहा हूँ, तो आज ये लास्ट 2-3 पीस बचा है, मे बी कल और परसों तक फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ हेलो 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 दोस्तों, कैसे हो आप सर? आप ये सब तो ठीक है, आज शैलजा थोड़ी बीमार है, तो शैलजा के लिए टर टर थैंक यू। आप चाय पीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, मुझे बहुत खुशी हो रही है आज कंटेंट मेरे लिए चाय बना के लाए, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी थोड़ा बहुत, तो पंकज ने बोला चल मैं चाय बना देता हूँ। और हमारी आज शैलजा जल्दी उठ गई है, और जल्दी उठ गई, 11 बजने में 3 मिनट और हम चाय पी, 11 बज रहा है, तो शैलजा आज जल्दी उठ गई, यूजुअली वो 2-2.5 बजे से पहले नहीं उठती। तो अब मिलते हैं चाय पीने के चाय के बाद। यार चाय तो हमने पी ली, अब शैलजा की तबीयत थोड़ा खराब है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसको ये वाली लिपस्टिक चाहिए। हाँ, और इसके लिए तबीयत खराब नहीं हो रही, ये लिपस्टिक चाहिए। और अभी मैं पूछा यार, ये पता है इतनी लंबी लिपस्टिक है, लेकिन ये पता है स्कैम, इसके अंदर क्या है, ये मैंने इंडिया से ली, इतना सा बस, इतना सा, और डंडा इतना बड़ा बनाया इन्होंने, जैसे ये 2 किलोमीटर चलने वाली पेंसिल होगी। अगर कोई इंडिया से आ रहा है तो बताओ यार, इंडिया से मंगानी है मुझे ये, मेरे घर में सुख शांति के लिए आप इतना सब कर ही सकते हैं। इसका नाम है आयरिक इंटेंसिव लिपस्टिक। अब मैं जा रहा हूँ चाय बनाने के बाद बर्तन धोने को, मिलते हैं बर्तन के बाद। ये कटकी आज भी ख़त्म नहीं हुई है, अब ये रहेगी कल के लिए, इसको ऐसे पैक कर देंगे हम, पैक करने के बाद दोबारा से फ्रिज के अंदर। टाटा, सी यू टुमारो। चलो तो अब आपसे मिलता हूँ बर्तन धोने के बाद। तो दोस्तों मैं बना रही हूँ अभी खिचड़ी, 12 बज गए हैं, तो कुछ हल्का सा बनाने को बोला पंकज ने, तो खिचड़ी बना रही हूँ मैं। और पता है प्याज नहीं है, मुझे लगा है था पर वो ख़राब था, तो फिर मैंने उसको नहीं डाला। अब खाली मुझे जीरे का तड़का लगाना पड़ेगा, मैंने इसमें घी डाला है क्योंकि घी काफ़ी है जी। जो ब्लॉग में आपने देखा होगा हरपाल पुरी भैया वो लेके आए थे घी, तो है इसमें। और बस मैं टमाटर डालूंगी फिर चावल डालूंगी। तो मैं बर्तन धो के आ गया, उसके बाद क्या हुआ आगे को बताता हूँ। जैसा कि सैलू ने आपको बताया होगा कि उसने खिचड़ी बनाई है, अब वो एक स्पेशल रेसिपी बना रही है, ये है रायता। पुराने ब्लॉग्स में आपने देखा होगा, और रायता का ऐसा था कि रायता सारा कुछ मैंने बनाया, इसने लास्ट में उसमें से चम्मच में टक 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 किया, और इसने बोला कि वो रायता ऐसा बोलना वीडियो में कि मैंने बनाया। तो ये शैलजा ने बनाया रायता, आप लोग समझ जाओ, बहुत अच्छा रायता बना हुआ है। बिना खाए बोल दे रहे। मैंने टेस्ट कर लिया पहले, जो बनाता है वो टेस्ट कर लेता है पहले। और ये है गर्मा गर्म खिचड़ी, आज हम लोग खा रहे हैं खिचड़ी। तो चलो दोस्तों अब हम खाते हैं खिचड़ी। खिचड़ी के साथ चाहिए मुझे थोड़ा सा पहाड़ी पिसा हुआ नमक, और थोड़ा सा घी,
और शैलजा। तो अब मिलते हैं आपसे खिचड़ी के बाद। ये हो गए हैं मेरे बर्तन साफ, और अभी भी पानी अटक गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है अभी कैसे निकलेगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट मैं इसलिए नहीं बना पाया, हाथ गीले थे, यहाँ कुछ स्टैंड नहीं है। तो टेंटन और टेंटन, तो ये हो गया मेरा किचन क्लीन, बर्तन क्लीन, गैस क्लीन, तो चुलबाड़ी कंप्लीट। ओके, तो अब मिलते हैं आपसे बाद में। तो दोस्तों, हम खाना खा के अभी टीवी देख रहे थे, तो हमें ध्यान आया कि कुछ कमेंट्स का हम रिप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आप लोग कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो। इसी तरीके से कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हमारी वीडियोस। तो मैं स्टार्टिंग करती हूँ पापा जी से, पंकज के पापा जी, मेरे ससुर जी। उन्होंने मेरी वीडियोज़ में, जिस वीडियोज़ में पंकज ने ऑमलेट बनाया था, उसमें लिखा है कि छोड़ दे ऐसे हस्बैंड को जिसे ऑमलेट बनाना नहीं आता। तो मैं इसका रिप्लाई बस ये कहूँगा कि मैं अपनी मम्मी से बोलूँगा, मम्मी जिसको चाय बनाना नहीं आता, मेरी मम्मी ने उसके साथ 30-35 साल गुजार दिए, तो शैलू भी काटी लेगी। तो रघुबीर जी ने लिखा कि हम अच्छा चिता रहे हैं बुली, आप बताओ कैसे हो। तो मनोज तुम्हारा भी बहुत बहुत थैंक यू, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और रमन एच पी है, ये भी मेरे सारे वीडियोज़ में कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और अरविंद जी ने भी, और जया वर्मा ने भी कमेंट किया नाइस ब्लॉग, तो थैंक यू उसके लिए, थैंक यू। और नेहा बीस्ट हैं, वो मेरी फ्रेंड है, वो भी मेरी सारी वीडियोस में कमेंट करती है, तो थैंक यू सो मच नेहा। नेहा बमचंद ने लिखा है सो स्वीट हस्बैंड, तो कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं, स्वीट नहीं है जी, खौफ है। एक बहुत हमारे बनमसा के मशहूर यूट्यूबर हैं, उनका एक्स आर्मी मैन, उनके भाई यही है, तो ये उनका कमेंट है। इनका भी यूट्यूब चैनल है सीओ कॉप्स आई, कॉप्स आई करके, ये उत्तराखंड पुलिस में कार्य करते हैं, इन्होंने लिखा है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस, इसे ही प्यार देना रहा, हमारे वीडियो देखना रहा, दिन भर भेटना रहा, दो बजनी फूले। तो ठीक है, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तक के लिए अपना ध्यान रखिए और शेयर कीजिए हमारे, फिर होगी आपसे मुलाकात। जो न्यू है वीडियोस में, वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।